मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, मैं प्रदेश अध्यक्ष राधिका बिल्ली युवा महिला मंच। आप और राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर अरुण राजभर जी आ गए हैं, तो आपको कितना खुशी हो रही है आपके नेताजी आ गए? बहुत बहुत ज्यादा खुश है हम लोग। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज बहुत खुश है, क्योंकि हम लोगों को आज 8 महीने से 30 दिन का इंतजार था, इस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा खुश। आपके नेताजी कुछ ही पल में यहाँ पहुँचने वाले हैं, कितना खुशी हो रही है? अब हम कितना खुश हैं या हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कितने कार्यकर्ता खुश हैं, आप तो देख रहे हैं कब से इंटरव्यू कर रहे हैं, और उनके जो चेहरे पे खुशी है और आंखों में जो लोग आंसू भरे हुए हैं, ये खुशी कहाँ से, क्योंकि आज हम लोग जिस चीज का हमें इतना दिन से इंतजार था, आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आज हमारे महबूब नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हो रहा है, और उस खुशी में हम लोग सारे कार्यकर्ता उपस्थित है। कितना संघर्ष करना पड़ा कैबिनेट मंत्री? बहुत संघर्ष किए। देखिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक अच्छे लीडर है, अच्छे कार्यकर्ता है और जमीनी नेता है, जमीन पर चलते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और आज यही कार्यकर्ता काफिला देख रहे हैं आज उनके स्वागत। इतना ज्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ा उनको मंत्री बनने के लिए? विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि उनको केवल लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए मंत्री बनाया गया है। विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि उनको कैबिनेट मंत्री केवल लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए 2024 को लेकर। विपक्षी पार्टी को बोलने दीजिए, उनका बोलने का काम ही है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का वो लोग मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो बुराई करके गिराने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि जब सपा में थे तो वो पिछड़ों की बात करते थे, जो वंचित समाज है उसकी बात करते थे, पीडीए की बात करते थे, लेकिन जब भाजपा से मिल गए हैं तो पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको एक बात बता दें, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के नेता है, गरीबों के मसीहा है, और जितने लोग कह रहे हैं कि नहीं आज जाकर के ओबीसी या अपने समाज की बात नहीं करते, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज अपने हक अधिकार हिस्सा के लिए नहीं, आप लोग को पता होगा कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब एनडीए के जब कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे उस समय, तो आज अपने समाज के लिए ही अपने लोगों के लिए ही कैबिनेट मंत्री पद खुला रहे थे। कितना खुशी हो रही है आपके नेताजी कैबिनेट मंत्री बन गए? देखिए नेताजी मंत्री बने तो हम लोग तो खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि ये दबे कुचले लोगों का आवाज़ उठाते हैं, तो दबे कुचले लोगों का आवाज़ तभी मजबूत होगा जब हम लोग सत्ते में रहेंगे, सत्ता के सहारे गरीबों का ये मजबूती से ये काम करेंगे। कितना खुशी हो रही है? अपार खुशी है। अच्छा, आपके नेताजी कैबिनेट मंत्री बन गए जी, आपको भी, हमारे नेता को भी, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बताइए। तो आप उतना दूर से यहाँ पर आए हुए हैं बलिया में, आपके मंत्री जी का पहला आगमन है, तो आपके जब आपके मंत्री जी आएंगे तो उनसे आप क्या मतलब कि अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए हमारे मंत्री जी को अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जैसे भगवान होता है अपने भक्तों की हर भावना समझ जाता है, वैसे हमारे नेता जी हमारे हर कार्यकर्ताओं का जो उनके साथ लगे हैं, लगे थे, लगे हैं, उन सबका कल्याण करते हैं, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, बिना कहे वो सब कुछ दे देते हैं। पर्चे क्या हुआ जी? पर्चे क्या हुआ, कहाँ से आई हुई है? मैं जखनिया से आई हूँ, गाजीपुर से। इसलिए आई हुई है? इसलिए मंत्री जी के स्वागत में आए हैं। अच्छा, अरे कार्यकर्ता है कि नेता है? कार्यकर्ता नेता दोनों है। अच्छा। आपको कितना खुशी हो रही है आपके नेता जी कैबिनेट मंत्री? बहुत बहुत, जितना खुश है मैं उतना कभी खुश नहीं थे। अच्छा, जितना आज हम खुश है। उतना दूर से आई हुई है बलिया? बलिया में आए हैं, मंत्री जी के स्वागत के लिए आए हैं, हम लोग सब लोग जुटे हैं मंत्री जी के स्वागत में, हमारा मंत्री जी बनकर लखनऊ से आ रहे हैं, उन्हीं के स्वागत में हम लोग सब लोग जुटे हुए हैं। आपका परिचय क्या हुआ? सोनी प्रजापति, जिला अध्यक्ष है गाजीपुर। कितना खुशी हो रही है आपके नेताजी मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बन गए? बहुत ज्यादा खुशी है, खुशी को बयान नहीं किया जा सकता है, वो तो दिख रहा है। स्वागत की किस प्रकार की तैयारियाँ है? स्वागत की तो बहुत भव्य तैयारियाँ, आप देख भी रहे हैं, उसमें कुछ छिपा नहीं है, जो है जो से दिख ही रहा है। हम लोग भी बहुत उत्साह से गाजीपुर से चल के आए हैं। मैं श्रीमती गीता यादव, देवरिया जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय समाज पार्टी की, और मैं देवरिया से चल कर आई हूँ। अच्छा, देवरिया से चल कर आई हूँ, उतनी दूर से आप बलिया जिला में आई हुई हैं, तो आपको कितनी खुशी हो रही है कि आपके नेताजी कैबिनेट मंत्री बन गए? हमको इतना खुशी है, इतना खुशी है, खुशी के मारे हम लोग इतना मतलब धूमधाम से हम लोग नेताजी के स्वागत में आए हैं, फूल माला के साथ।
साथ अपने नेताजी को स्वागत करेंगे। और हमारे नेताजी इस उत्तर प्रदेश में कि इस पूरा विश्व में एक ऐसा नेता है जिसका मतलब कोई जितना ही अगर उसको प्रकीर्तन है उतना ही कम है, मतलब जितना उसको लोग कह रहे हैं उनको हम लोग भगवान मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बात है। हमारे नेताजी सारी नेताओं से हटकर हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता है, वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, बीजेपी का नेता है, वो गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो अपनी रोटियां सेकते हैं। चुनाव आता है तो गांव में घूम करके वोट मांग करके और सदन में जब पहुंचते हैं तो किसी गरीब का वकालत नहीं करते हैं। और हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जो नेता है वो गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और गरीबों के लिए वो इतना मांग करते हैं। और दिल्ली अरे विधानसभा तो क्या, इस मतलब लोकसभा के चुनाव में इतना बहुमत से सीट जीत करके और माननीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय नेता